बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला की रहमत करम फ़ज़ल के साथ मैं राना शाहजहाँ। तो आप देख रहे हैं जानिशा फूड पॉइंट। आज हम बना रहे हैं चने की दाल और कद्दू देसी स्टाइल में। तो ये वो चीज़ें हैं जो आज की रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ 12 हमने 1 किलो कद्दू लिया, इसकी कटिंग मुकम्मल कर ली है। टमाटर छिलका उतार कर, एक प्याज कटिंग कर लिया है। हरा धनिया 8 अदद, हरी मिर्च 3 चम्मच, लहसुन अदरक पेस्ट लिया है। एक कप चने की दाल लेकर इसको हमने उबाल लिया है। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले एक कढ़ाई लेकर उसमें 200 ग्राम आयल शामिल करेंगे। चूल्हा ऑन करेंगे। एक प्याज ऐड करेंगे। प्याज हल्का सा नरी होने के बाद 8 कलटी हुई हरी मिर्च शामिल करेंगे। मज़े मज़े। अदरक लहसुन पेस्ट 3 चम्मच ऐड करेंगे। नमक ऐड कर देंगे। कद्दू ऐड करेंगे, कद्दू भी करेंगे बनाई। इसकी 5 मिनट के लिए इसी तरह बनाई जाएंगे ओपन। पाँच छः मिनट बनाई करने के बाद कद्दू का कलर चेंज शुरू हो गया। फ्लेम को करेंगे लो। इसमें 3 टमाटर छिलका उतार कर शामिल करेंगे। इसको लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए दम लगा देंगे ताकि हमारा टमाटर अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। मिलते हैं 5 मिनट के बाद।
वो ओपन करते हैं। टमाटर हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए हैं, अभी हम फ्लेम तेज़ कर देंगे, बनाई करेंगे टमाटर का पानी खुशक करेंगे, अच्छी तरह फ्राई करेंगे खुले दिल से। यहाँ पर टमाटर का पानी ड्राई हो गया, अभी फ्लेम को करेंगे लो, एक चम्मच थोड़ा लाल मिर्च, आधा चम्मच पिसा हुआ लाल मिर्च, हल्दी ऐड करेंगे, हल्की सी इसकी भुनाई करेंगे लो फ्लेम पर एक दो मिनट। विद वाटर जो भी है ना चने की दाल ऐड कर देंगे, अब इसकी 3-4 मिनट बनाई करेंगे तेज फ्लेम पर। ये दोनों एक जान हो गया, फ्राई करने के बाद फ्रीजन पे आ जाएगा ये। अब इसमें 2 ग्लास पानी ऐड कर देंगे, पैंतीस मिनट के लिए लो फ्लेम पर दम लगा देंगे। माशाल्लाह हमारा सालन तैयार है, अभी इसको लगा दें तड़का, यानी कि डबल तड़का। अपने ऊपर यहाँ पर तड़का लगाने के लिए हमने एक पैन लिया, उसमें ऑयल शामिल करेंगे, 12 जवे लहसुन के काट कर तो फ्राई करेंगे। धनिया ऐड करेंगे और हाथों की मदद से आधा चम्मच जीरा मसाला कर शामिल करेंगे।
हल्का सा मिक्स करेंगे इसको। ये रेसिपी बहुत मज़ेदार बनती है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अभी हम इसको डिश आउट करेंगे। यहाँ पर हमने इसको डिश आउट कर लिया है सालन को। हम वाइट चावल के साथ ट्राई करेंगे, आप चाहें इसको रोटी के साथ भी ट्राई करते हैं। ये बहुत मज़ेदार रेसिपी है, बिल्कुल देसी स्टाइल से। काइंडली अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।